आखिर क्यों बाबा साहेब सामने की तरफ उंगली का इशारा करते थे? बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर महान की मूर्ति में इशारा करती उंगली का महत्व क्या है, आइए समझे। आजकल भारत रत्न डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की ये फोटो सोशल मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखाई जा रही है। आखिर इसी फोटो का उपयोग प्रचार प्रसार में क्यों किया जा रहा है, तो आइए जानते हैं इसे एक कहानी के माध्यम से। एक बार एक लड़का अपने पिता के साथ डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर जयंती की भव्य रैली में गया। वापस घर आने पर अपने पापा से प्रश्न पूछने लगा। लड़का, पिताजी बाबा साहेब हमेशा सूट बूट में ही क्यों रहते थे? पिताजी, बेटा क्योंकि बाबा साहेब ने बचपन में ही वो कड़े डदवी यातनाएं झेली थीं, जब उन्हें शाला में पानी पीने के लिए भी किसी सवर्ण जाति के शिक्षक अथवा चपरासी पर निर्भर रहना पड़ता था, क्योंकि कोई अछूत अपने हाथ से पानी नहीं ले सकता था। जब वे PIH लिखकर भारत वापस आए तब भी स्थिति वैसी ही थी। तब जाकर उन्होंने भारत में समाज सुधार का कार्य किया। उन्हें लगता था कि मेरा समाज भी अच्छे कपड़े पहने, यदि मैं सूटबूट में रहूंगा तो मेरा समाज मुझसे प्रेरणा लेकर और मुझे आदर्श मानकर खुद भी सूटबूट पहनेगा। लड़का, ठीक है पिताजी, आज से मैं भी सूटबूट में ही रहूंगा। लदे देह का, अच्छा पिताजी बाबा साहेब के जेब में हमेशा पेन क्यों रहता था? पिताजी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा बेटा। कलम होने का मतलब है शिक्षित होना ही सबसे जरूरी काम है। अरे वो सिर्फ कलम पेन नहीं, पीड़ितों शोषित लोगों को गुलामी से मुक्त करने की वह आधुनिक तलवार है। उसी कलम से बाबा साहेब ने आगे चलकर भारतीय संविधान लिखा। लड़े डेका, पिताजी मैं भी आज से अपनी जेब में कलम लगाऊंगा और खूब पढ़ाई करूंगा। लड़े डेका, पिताजी मैं आपसे आखिरी प्रश्न पूछ रहा हूं। प्रश्न, क्या बाबा साहेब ने उंगली कहाँ दिखाई और उनके हाथ में कौन सी किताब है? पिताजी, बहुत अच्छा बेटा, बहुत सटीक और तर्कपूर्ण प्रश्न पूछा है आपने। बेटा, उनके हाथ में जो किताब है उसका नाम है भारतीय संविधान है। इस संविधान से भारत देश चलता है। इसी संविधान से सभी को समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्वता को बल मिलता है। आजकल भारत रत्न डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की यह फोटो सोशल मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में दिखाई जा रही है। आखिर इसी फोटो का उपयोग प्रचार प्रसार में क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इस फोटो में बाबा साहेब की उंगली ऊपर है। बाबा साहेब ने कभी भी उंगली ऊपर नहीं दिखाई। यह तो भ्रामक प्रचार करने वाले समूह की कारस्तानी है जो इस फोटो को प्रचारित कर रहे हैं। बाबा साहेब ने कहा कि शिक्षित करो, आंदोलित करो, संगठित करो। डॉक्टर बाबा साहब ने जो उंगली दिखाई है उसका मतलब है तुम ही इस देश के शासक हो। जाओ, पहले इस संविधान में दिए अपने कर्तव्यों और अधिकारों को जानो और फिर अपने में से योग्य व्यक्ति को संसद भेजो जो आपके हक और अधिकारों को उठा सके। अगर इस संविधान को सही मायने में अमल में लाना है तो योग्य लोग संसद में आने चाहिए। वह उंगली से यह संबोधन करते हैं कि अपने भले के लिए स्कूल, कॉलेज और संसद में जाओ। LDDDHKA, धन्यवाद पिताजी, मैं भी बाबा साहेब के विचारों पर चलूंगा और इस देश का शासनकर्ता जमात बनकर बहुत आगे ले जाऊंगा। वैसे तो बाबा साहेब ने कहा है, मेरी जय जयकार करने की अपेक्षा मेरे बताए हुए मार्ग का अनुसरण करें। अगर इसी प्रकार प्रत्येक पिता अपने बच्चे को बाबा साहेब के बारे समझाए तो वह दिन दूर नहीं जब संसद क्या संपूर्ण विश्व में बाबा साहेब के बच्चे अपना नाम रोशन करेंगे। और हर पिता से यही उम्मीद की जानी चाहिए कि अपने बच्चों को बहुजन महापुरुषों का साहित्य अवश्य पढ़ने के लिए कहे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब